दादरा नगर हवेली में 70 नए कोरोना के मामले सामने आते प्रदेश में अब तक 394 सक्रिय मामले हो चुके हैं। अब तक 1853 पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर वीके दास ने जनता को एक खास संदेशा देते हुए बताया कि कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के सामने प्रशासन ने पर्याप्त तैयारियां की हैं, जिसमें अधिकतर बेड फैसिलिटीज, ऑक्सीजन इंजेक्शन दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तीनों संघ प्रदेशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते सावधानी और सतर्कता के सभी प्रकार के कदम प्रशासन ले रहा है। तीनों संघ प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का कार्य भी जारी है। दमन और दीव में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भागीदारी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, मगर दादरा नगर हवेली के ग्रामीण विस्तारों में इस वैक्सीन के प्रति उदासीनता भरा वातावरण है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को ये अपील कर ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोरोना वैक्सीन को लेने पहुंचे, ऐसी व्यवस्था भी करवाई गई है। मैं डॉक्टर वीके दास, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज दादरा नगर हवेली दमन दीव, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ है। दादरा नगर हवेली में भी सिलवासा, आमली, मसाड, सामरवाणी, दादरा, रखोली एरियाज बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। कुछ नरौली में भी हैं और कुछ आंबोली में भी हैं। तो मैं लोगों को यही सावधान
रहने बोलूँगा कि सब लोग अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइज करें, और अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ट्रैवल नहीं करें, अपने घरों में रहें। दूसरी बात, वैक्सीनेशन अबव 45 ईयर्स का वैक्सीनेशन हम हर हेल्थ सेंटर्स में दे रहे हैं, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दे रहे हैं। आप लोग आगे आएँ और लगाएँ। जहाँ तक तीनों डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, दादरा नगर हवेली में अभी तक 47% लोगों ने ही लिया है, जबकि इंटीरियर्स में किसी ने भी नहीं लिया है, बहुत कम लोगों ने लिया है। दमन और दीव में काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन में लोगों ने लिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग बचे हैं वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान में जैसे जुड़ें और टीका लगाएं और अपने आप को इस बीमारी से बचा लें। इस बीमारी में लंग का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और लंग डैमेज होने से पूरा यानी आदमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो परमानेंट होता है, और दूसरा है कि ये जल्दी रिकवर भी नहीं होता और फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो डेथ भी हो जाती है। जहाँ तक हेल्थ फैसिलिटी के सवाल है, हमारे पास 109 बेड्स हैं विनोबा सिविल हॉस्पिटल में जो सीरियस पेशेंट्स को देखते हैं। 157 बेड्स एडिशनल है जो टायर 2 जिनको थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए हमने 157 रखा है। खानल में 50 बेड्स रखा हुआ है और एक फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने वाले हैं सैटरडे तक जिसमें 200 बेड्स। तो फिलहाल हमारे पास करीब 450 बेड के ऊपर की व्यवस्था सिलवासा में है। वैसे दमन में भी हमने टायर 1 टायर 2 टायर 3 की व्यवस्था की है, मरवड़ हॉस्पिटल में हमने टायर 3 की फैसिलिटी की है, दीव में भी हमारा दीव हॉस्पिटल है और दूसरी जगह जहाँ पर हमने टायर 1 टायर 2 टायर 3 की व्यवस्था की है। तो हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है और हम बेड्स धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमने पूरा प्रोविजन किया बेड्स का। ऑक्सीजन का जहाँ तक सवाल है, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास टैंक फिलिंग हमारे जो सिलेंडर्स हैं और हमारा जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है वो इंस्टॉल हो गया है और सिलेंडर्स भरने के लिए रेगुलर हम लोग 24/7 उस पर निगरानी रख रहे हैं। हमारे सिलेंडर्स वापी और दमन से भर के आते हैं और वो अभी भर के आते हैं और रूटीन हमारे पास करीब 682 सिलेंडर्स हैं और 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स भी हैं सिलवासा में। खानल में अनदर 50 सिलेंडर्स हैं, दमन में मरवड़ में भी हैं और दीव में भी इनफ सिलेंडर्स हैं। और जहाँ तक इंजेक्शन रेमडेसिविर का सवाल है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में दमन दीव और DNH के तीनों हॉस्पिटल्स में रेमडेसिविर अवेलेबल है, जो जिस पेशेंट्स को लगना चाहिए उनको इंडिकेशन के हिसाब से हमारे फिजिशियंस और ट्रीटिंग डॉक्टर रेमडेसिविर दे रहे हैं।